अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 16 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर हफ्ते की तरह इस वीक भी हम लास्ट वीक में डिस्कस किए गए मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और इनमें रेस किए गए मेन पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द चेयरमैन एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड अनदर वर्सेस ज़ुल्करनैन अली, सिविल पिटिशन नंबर 2892 ऑफ 2020। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मजा आलम खान मियाखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बेंच के सामने पेश किया गया। इस केस में पिटिशनर्स ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के जजमेंट को चैलेंज किया, जिसमें ट्राइब्यूनल ने रिस्पोंडेंट के वर्बल एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन ऑर्डर को सेट असाइड करके उन्हें रीइंस्टेट किया था। इस केस में पिटिशनर्स ने अलेज किया कि रिस्पोंडेंट को लॉ के मुताबिक अपॉइंट नहीं किया गया था और ड्राइवर की कोई भी सैंक्शन पोस्ट थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या गवर्नमेंट के डेली वेजर एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट को एक वर्बल ऑर्डर के जरिए टर्मिनेट किया जा सकता था। इस पिटिशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान के लेबर या सर्विस लॉज में ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं जो कि एक एम्प्लॉयर को अलाउ करे कि वो किसी को सर्विस से एक रिटन ऑर्डर के बगैर वर्बली डिसमिस कर दे। सिर्फ टर्मिनेशन सिंप्लिस्टर भी एक वर्बल ऑर्डर के थ्रू नहीं हो सकती। इसके साथ अगर किसी के खिलाफ मिसकंडक्ट के ग्राउंड्स पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाए तो उस शख्स को एक शो कॉज नोटिस सर्व होना चाहिए, एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए और सारे सर्कमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए एक पर्सनल हियरिंग के बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। वर्बल ऑर्डर की बेसिस पर किसी को डिसमिस करना पाकिस्तान के सर्विस और लेबर लॉज के खिलाफ था और एक गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता था। टेम्प्रेरी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के केस में भी रिटन लेटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू करने चाहिए और टर्मिनेशन के केस में भी उन्हें प्रॉपर रिटन फॉर्म में कॉजेज देनी चाहिए। MST सायरा फातिमा सादोजई अगेंस्ट DIG इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। इस केस में पिटिशनर ने DIG के ऑर्डर की वायरीज को चैलेंज किया, जिसके तहत ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन चार्ज फ्रेम होने के बाद एक सर्कल से दूसरे सर्कल ट्रांसफ़र हो गई। अब अदालत के सामने तीन सवाल थे। पहला ये कि क्या चार्ज फ्रेम होने के बाद री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकती है। दूसरा ये कि क्या डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड का ओपिनियन चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए सोल ग्राउंड हो सकता है। तीसरा ये कि री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करते हुए कौन से रिक्विजिट्स फॉलो होने चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकती है। दूसरा ये कि डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड का ओपिनियन चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए सोल ग्राउंड नहीं हो सकता। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को रीजंस इन राइटिंग भी देने होंगे। और आखिरी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए कि पहले क्या वेरीफाई नहीं हुआ जो अब वेरीफिकेशन रिक्वायर कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट, मोहम्मद असलम एक्सेट्रा वर्सेज द स्टेट, क्रिमिनल अपील नंबर 197314 ऑफ 2018, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 135870 ऑफ 2018, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 185427 ऑफ 2018, मर्डर रेफरेंस नंबर 32 ऑफ 2018। इस केस में लाहौर हाई कोर्ट ने एक ही केस से स्टेम होने वाली क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजंस और एक मर्डर रेफरेंस का फैसला इकट्ठे सुनाया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट्स ने अपनी क्रिमिनल कन्विक्शंस के खिलाफ अपील की, जबकि रिस्पोंडेंट ने सेंटेंस की एनहांसमेंट के लिए रिवीजन फाइल की और ट्रायल कोर्ट ने कॉन्विक्ट्स के सेंटेंस को कॉन्फर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में रेफरेंस भेजी। इस केस में कोर्ट के सामने तीन मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि मेडिकल ऑफिसर्स तक पुलिस पेपर्स पहुंचने में डिले का प्रोसिक्यूशन के केस पर क्या इफेक्ट होता है। इस केस में मेडिकल ऑफिसर को डेड बॉडी रिसीव होने के काफी देर बाद पुलिस पेपर्स रिसीव हुए। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस पेपर्स जिनमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट, कंप्लेंट एटसेट्रा शामिल थे, जिनके बगैर पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर इनके ट्रांसमिशन में कोई डिले आ जाए तो ये मौके पर आई विटनेसेस की मौजूदगी पर डाउट क्रिएट करता है। 2009 PCRLJ 1022 और 2011 SCMR 1190 पर रिलाय करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे डिले का मतलब यूजुअली यही होता है कि पूरा वाकया आई विटनेसेस ने विटनेस नहीं किया और इस डिले के दौरान पुलिस अपने पेपर्स पर किसी को विटनेस के तौर पर साइट करने के लिए ढूंढ रहे थे। केस का सेकेंड इशू ये था कि अगर अक्यूज लोगों की आइडेंटिफिकेशन परेड इकट्ठे करवाई जाए तो इसका इस परेड की एविडेंस पर क्या इफेक्ट होता है। इस केस में चारों अक्यूज लोगों की आइडेंटिफिकेशन परेड एक साथ कंडक्ट की गई। चारों लोगों को अपनी रोज में सीरियल नंबर 4 पर ही प्लेस किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी प्लेसमेंट विटनेस के लिए एक हिंट के तौर पर काम कर सकती है, जिसके थ्रू विटनेस को आइडिया हो सकता है कि अक्यूज लोगों को एक ही पोजीशन पर रखा जा रहा है। इस मैनर में आइडेंटिफिकेशन परेड करना रिलायबल नहीं था, जिसकी वजह से यह अक्यूज को आइडेंटिफाई करने का एक क्रेडिबल मेथड नहीं था। केस का तीसरा इशू ये था कि क्राइम MTs को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजने में डिले का केस पर क्या इफेक्ट होता है।
इस इशू को एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब एमटीज को अक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले पोजीशन में लिया गया हो लेकिन उन्हें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजने में 8 दिनों का डिले हो तो ये फोरेंसिक रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। इन्हीं इश्यूज की बेसिस पर कोर्ट ने अपेलेंट की कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। सबा थ्रू LRS एंड अदर्स अगेंस्ट MST हलीमा बीबी एक्सेट्रा रिस्पोंडेंट के फाइल किए सूट को डिसमिस कर दिया गया जिस पर उसने अपील की। अपील की पेंडेंसी के दौरान सूट विड्रॉ हो गया इस परमिशन के साथ कि वो अफ्रेश फाइल होगा। फ्रेश सूट भी फाइल होकर डिसमिस हो गया। डिसमिसल ऑर्डर के खिलाफ अपील हुई जो अलाउ हो गई। अब पिटिशनर ने अपेलेट कोर्ट के ऑर्डर को इन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया कि वो सूट बार्ड था बाय लिमिटेशन। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि अर्लियर सूट के विड्रॉल के बाद क्या लिमिटेशन अर्लियर सूट की इंस्टीट्यूशन की डेट से काउंट होगी या सबसीक्वेंट सूट की, जिस पर जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा कि अर्लियर सूट के विड्रॉल के बाद लिमिटेशन अर्लियर सूट की इंस्टीट्यूशन की डेट से काउंट होगी क्योंकि जब लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है एक सेम कॉज ऑफ एक्शन पे तो वो डिसकंटिन्यू नहीं होती। परमिशन टू फाइल अ फ्रेश का ऑब्जेक्ट ही ये है कि प्लेंटिफ के लिए टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ हर्डल्स ना क्रिएट करें, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये रूल एक प्लेंटिफ को लिमिटेशन के बार से प्रोटेक्शन देता है। लाहौर हाई कोर्ट, बशीर अहमद वर्सेस शाहीन अहमद, FAO नंबर 8/2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर बेंच के सामने जस्टिस अनवार हुसैन के सामने पेश किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या अगर एक रेंट अग्रीमेंट में फोर्स मेजोर क्लॉज मौजूद ना हो तो क्या फोर्स मेजोर का डॉक्ट्रिन ऐसे अग्रीमेंट पर अप्लाई कर सकता है जो कि रेंट एक्ट के एम्बिट में फॉल करता हो। सेकेंडली, क्या एक बिजनेस की टेम्प्ररी डिस्ट्रप्शन या क्लोजर टेनेंट को अग्रीमेंट की टर्म्स के मुताबिक रेंट पे करने से एग्जेम्प्ट करता है। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट ने रेंट कंट्रोलर की उस जजमेंट को चैलेंज किया जिसमें उन्होंने कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 के सेक्शन 17 सबसेक्शन 9 के नीचे रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पर अपेलेंट की राइट ऑफ डिफेंस क्लोज कर दी और उन्हें रेंटेड प्रमिसेस खाली करने का हुक्म दिया। अपेलेंट्स के मुताबिक वो विलफुली रेंट पेमेंट्स पर डिफॉल्ट नहीं कर रहे थे बल्कि COVID-19 पैंडेमिक के दौरान उनका स्कूल बंद रहा जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में थे और अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे। पहले इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने फोर्स मेजोर के डॉक्ट्रिन को डिटेल में एनालाइज किया। इस डॉक्ट्रिन की एप्लीकेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए केस के फैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और पार्टीज के दरमियान एग्जीक्यूटेड अग्रीमेंट की रोशनी में एनालाइज किया गया। अगर पार्टीज के अपने अग्रीमेंट में कोई फोर्स मेजोर क्लॉज मौजूद ना हो तो 1872 के एक्ट के सेक्शन 56 को इन्वोक करके फोर्स मेजोर और फ्रस्ट्रेशन के डॉक्ट्रिन को यूज कर सकते हैं। अलबत्ता सेक्शन 56 लीज अग्रीमेंट्स पर अप्लाई नहीं करता, ये इसलिए क्योंकि एक कंप्लीटेड कन्वेयंस और एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है। एक लीज जो कि रेंट डीड के तहत कम्प्लीट की जाए एक कम्प्लीटेड कन्वेयंस के तौर पर काउंट करती है जिस पर सेक्शन 56 अप्लाई नहीं करता। इस सेक्शन को रेंट के वेवर, सस्पेंशन या एग्जेम्पशन के लिए इन्वोक नहीं किया जा सकता था। केस के दूसरे इशू पर आते हुए कोर्ट ने 1975-2 SCC 633 पर रिलाय करते हुए कहा कि ये एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए डिस्चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि अब इसे परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजोर क्लॉज ना हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 108B सबसेक्शन ई को अप्लाई किया जा सकता है। अलबत्ता इस केस में अपेलेंट गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए गए लॉकडाउन को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इस प्रोविजन को इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अपेलेंट्स ने अपने केस में भी इनिशियली फ्रस्ट्रेशन का डॉक्ट्रिन इन्वोक नहीं किया और लॉकडाउन की वजह से प्रेमिसेस का टेम्प्ररी नॉन यूज फ्रस्ट्रेशन के एम्बिट में फॉल नहीं करता। इक्विटेबल ग्राउंड्स पर भी अपेलेंट्स ने रिस्पोंडेंट्स को नॉन परफॉर्मेंस या डिलेड परफॉर्मेंस का कोई नोटिस नहीं दिया और सिर्फ इविक्शन का इशू रेज होने पर उन्होंने ये ग्राउंड रेज किया। इसीलिए इस रेंट अग्रीमेंट की तमाम टर्म्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाएगा और अपेलेंट्स को रेंट की पेमेंट से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मतीनुर रहमान एक्सेट्रा अगेंस्ट द स्टेट एक्सेट्रा। इस केस में पिटिशनर प्री अरेस्ट बेल सीक कर रहा था फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 365 PPC। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि FIR का इनऑर्डिनेट डिले क्वा टाइम ऑफ अकरेंस और रजिस्ट्रेशन का क्या अफेक्ट है। दूसरा ये कि विक्टिम की MLC के बगैर टॉर्चर और बीटिंग की एक ओरल एलिगेशन की लेवलिंग का क्या अफेक्ट होगा। तीसरा ये कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करते हुए क्या मेरिट्स ऑफ द केस टच हो सकते हैं। चौथा ये कि क्या प्री अरेस्ट बेल के हर केस में ये प्रूफ करना ज़रूरी है कि कंप्लेनेंट के पार्ट पे मैलाफाइड है। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने कहा कि डिलेड FIR एक्सीजेसिस डिस्क्लोज किए बगैर ड्यू डिलिबरेशन और कंसल्टेशन के साथ उसकी लॉजमेंट इंडिकेट करती है। दूसरा ये कि विक्टिम की MLC के बगैर टॉर्चर और बीटिंग की एलिगेशंस सीरियस डाउट कॉज करती हैं कंप्लेनेंट की वर्जन पे।
तीसरा ये कि प्री अरेस्ट बेल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ग्रांट करते हुए केस के मेरिट्स भी टच हो सकते हैं, और लास्टली कि हर केस में मैलिफाइड प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से भी कुछ गैदर हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट, नवीद इसहाक वर्सेस एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस, रिट पिटिशन नंबर 4190 ऑफ 2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच में जस्टिस मोहम्मद शान गुल के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर एक जस्टिस ऑफ द पीस ने यह ऑर्डर किया कि एक सेल्फ चेक के डिसऑनर होने पर पिटिशनर के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। एक सेल्फ चेक एक ऐसा चेक होता है जो कि ड्रॉअर ने अपने ही नाम लिखा हो और वो खुद ही इसके इंटेंडेड पेयी हो। इस केस में मेन इशू यही था कि क्या एक सेल्फ चेक के डिसऑनर होने पर चेक के ड्रॉअर पर पीपीसी का सेक्शन 489F के नीचे क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज की जा सकती है। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने जो चेक इशू किया वो किसी के भी नाम नहीं था, इसीलिए इस पर कोई इंटेंडेंट रिसिपिएंट मेंशन नहीं था और पे के तौर पर लव्स सेल्फ इस्तेमाल हुआ था। इस पिटिशन को अलाउ करते हुए कोर्ट ने पीपीसी का सेक्शन 489F को डिटेल में एनालाइज किया। ये बात ऑब्वियस थी कि अगर कोई शख्स अपने नाम एक चेक ड्रॉ करे तो वो डिसऑनेस्टली एक्ट नहीं कर रहा होता और ना ही ये चेक किसी लोन या ऑब्लिगेशन की रीपेमेंट के लिए टेंडेड होता है। सेक्शन 489F सिर्फ तब लायबिलिटी इम्पोज करता है जब चेक डिसऑनेस्टली किसी ऑब्लिगेशन या लोन के डिस्चार्ज के लिए इशू किया गया हो। अगर किसी ने प्रूव करना हो कि ये चेक ड्रॉअर नहीं बल्कि उनके लिए इशू किया गया था तो चेक होल्डर को ये चीज डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूव करनी होगी। अगर ऐसी डॉक्यूमेंटेशन या एंडोर्समेंट प्रोड्यूस ना की जाए तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये चेक हकीकतन एक सेल्फ चेक ही था, इसीलिए ऐसे चेक का बेरर इसके डिसऑनर होने पर क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते थे। मोहम्मद गुजनफर नवीद अगेंस्ट द स्टेट एक्सेट्रा, इस केस में सेकेंड FIR लॉन्च हुई हस्बैंड की सेकेंड मैरिज के हवाले से जो कि बगैर पहली बीवी के इजाज़त से थी। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या हाई कोर्ट FIR को कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में क्वाश कर सकती है, दूसरा ये कि क्या सेम फैक्ट्स पे दूसरी FIR परमिसिबल है, तीसरा ये कि क्या सेकेंड मैरिज के परमिशन लेटर की फॉर्जरी के हवाले से FIR लॉन्च हो सकती है या मामला फैमिली कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल करेगा। जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने कहा कि हाई कोर्ट FIR को कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन में क्वाश कर सकती है, दूसरा ये कि सेम फैक्ट्स पे दूसरी FIR परमिसिबल नहीं है, और तीसरा ये कि सेकेंड मैरिज के परमिशन लेटर की फॉर्जरी के हवाले से FIR लॉन्च नहीं हो सकती और मामला फैमिली कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल करेगा। फवाद अफजल खान अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इस केस में पिटिशनर ने क्वेश्चन किया है खैबर पख्तूनख्वा अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट ऑफ 2020 की वायरीज को और प्रे किया है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस लाल जान खटक और जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट थी कि वो लेजिस्लेट करें ऑन द सब्जेक्ट और लेजिस्लेचर के पार्ट पे भी कोई मैलिफाइड नहीं थी लॉ पास करते हुए। लिटिगेंट्स को इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के कई और एडवांटेजेस भी थे, मसलन प्रोसेस में पार्टीज की डायरेक्ट इंगेजमेंट। सालिसीन के सामने पार्टीज एक बेटर पोजिशन में थी कि वो अपनी ही जुबान में अपना स्टांस एक्सप्लेन कर सकें, लिहाजा पिटिशन डिसमिस हो गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट, मिसर्स ए एंड बी पेट्रोल ओरन लैरी पजारमा वर्सेस MC नजलिसान, PLD 2002 बलोचिस्तान 1। ये केस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सामने एक एडमिरल्टी सूट के तौर पर पेश किया गया। इस केस में मेन इशू ये था कि हाई कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1980 के तहत हाई कोर्ट के एडमिरल्टी ज्यूरिस्डिक्शन वोट करने के लिए क्या कंडीशंस थे। इस केस के फैक्ट्स पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स को दो शिप्स के लिए फ्यूल और बंकर सर्विसेज प्रोवाइड की, अलबत्ता उन्हें इन सर्विसेज के लिए पे नहीं किया गया। जब प्लेंटिफ्स ने ये सूट फाइल किया तब तक डिफेंडेंट्स ये शिप एक थर्ड पार्टी को बेच चुके थे और ये शिप्स ब्रेकिंग के प्रोसेस में थी। अब प्लेंटिफ्स के मुताबिक बंकर और फ्यूल सर्विसेज प्रोवाइड करने से वेसल्स या शिप्स पर एक मैरिटाइम लियन क्रिएट हो गया था और ये तब तक वेसल के साथ अटैच रहता है जब तक इसकी पेमेंट मुकम्मल ना हो जाए। शिप की ओनरशिप चेंज होने के बावजूद ये मैरिटाइम लियन एग्जिस्ट करता है और एक्सटिंग्विश नहीं होता। अब हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1980 के सेक्शन 3(2)(l) के नीचे हाई कोर्ट अपनी एडमिरल्टी ज्यूरिस्डिक्शन तब एक्सरसाइज कर सकता है जब शिप कोई नेसेसरीज की सप्लाई के हवाले से कोई क्लेम अराइज करे और बंकर और फ्यूल सर्विसेज नेसेसरीज में फॉल करते हैं। अलबत्ता इसी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के नीचे सेक्शन 3(2)(l) के नीचे एक मैरिटाइम लियन सिर्फ तब क्रिएट होता है जब हाई कोर्ट उस पर अपनी एडमिरल्टी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है, और कोर्ट अपनी एडमिरल्टी ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ तब एक्सरसाइज कर सकता है जब कुछ कंडीशंस मीट हो।
एक वेसल से रिलेटेड एक एक्शन इन रैम या एक प्रोप्राइटरी एक्शन सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब एक्शन लाने के वक्त शिप वो लोग बेनिफिशियली ऑन करते हो जो कि उस क्लेम के लिए एक्शन इन पर्सोनम में लायबल थे। इस केस में जब तक प्लेंटिफ सूट लाए तब तक वो लोग जो इन सर्विसेज के लिए इन पर्सोनम लायबल थे इस शिप को बेच चुके थे, इसीलिए एक एक्शन इन रैम के कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए और कोर्ट अपनी एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। इसके अलावा PLD 1991 SC 1021 के तहत एक शिप से रिलेटेड हर क्लेम उस पर मैरिटाइम लियन क्रिएट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से प्लेंटिफ्स का एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।